में डूबने से मासूम बच्ची की मौत। स्थानीय बीजी रोड बाईपास के पास स्थित तुलसी नगर क्षेत्र के एक खुले कुएं में 3 साल की बच्ची के गिर जाने के कारण मौत हो गई। थोड़ा सा पैर पीछे रखो आप, जानकारी बड़ी पढ़ाई है नहीं तो विश्वास मत करो। बीजी रोड स्थित बाईपास के पास एक खेत में ही राजतिलक जाटा बा उनका परिवार रहता है। राजतिलक की 3 साल की बेटी कनक आज सुबह रोजाना की तरह घर के बाहर खेल रही थी कि इसी बीच खेलते खेलते वे खेत में स्थित एक कुएं में जा गिरी। जैसे ही परिवार वालों को मालूम हुआ तो उन्होंने शोर मचाया। क्षेत्र के लोगों व अन्य लोगों के सहयोग से कुएं में रस्सी डालकर बच्ची को ढूंढा गया। वहीं पुलिस टीम और TI सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुँच गए। इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, लेकिन इसी बीच बच्ची कुएं में उतरे लोगों को मिल गई। अरे जितने भी मोटरसाइकिल लगाए हो रास्ते में आ जाओ, हटा के आओ भी, गाड़ी आ रही है। जिसकी जिसकी गाड़ी रास्ते में हटा दो पूरा वहां से। जिसे लेकर लोग जिला अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। ये घटनाक्रम लगभग मुझे 10 बजे फ़ोन आया था। तो एक बच्ची छोटी, काफ़ी छोटी बच्ची है, दो ढाई साल की, कनक नाम है उसका और राजतिलक उनके पिताजी का नाम है। खेत में ही एक कुआ बना हुआ है, खेत के पास में उनका रहते हैं और उससे करीब 100-200 कदम पर ये कुआ बना हुआ है। उसमें खेलते खेलते बच्ची गिर गई थी, जिसको कि लोकल लोगों की मदद से और उनकी मदद से निकाल लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी हॉस्पिटल में आ गई है। तो किस अवस्था में बच्ची सर? अभी बच्ची मृत अवस्था में निकाली है, उसी समय हॉस्पिटल में आके कंफर्म हुआ कि बच्ची की डेथ हो गई है। किस कॉलोनी का मामला है? ये एकता नगर भुल्लनपुरा बाईपास पे एकता नगर है, वहीं खेत पे वो कुआ बना हुआ था, उसी में बच्ची गिर गई थी। परिवार को RBC के प्रवर्धानों के तहत आर्थिक सहायता अनुदान राशि 4 लाख रुपए से उक्त राशि कनक के बेड वारिस को प्रदान की जाएगी।